हाय, मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैं बेसिकली टुगेदर वी कैन फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हूँ और उसकी निदेशिका भी हूँ। बेसिकली आज मैं अपनी एनजीओ से आपका परिचय कराना चाहती हूँ कि मेरी जो टुगेदर वी कैन फाउंडेशन है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनजीओ क्या होती है, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें हमारा मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है। अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो सोसाइटी को सर्व करना है। वी वॉन्ट कि हमारे देश के अंदर खुशहाली फैले और हमारे समाज के अंदर खुशहाली फैले। उसके लिए हमें कुछ कुछ यत्न करने पड़ते हैं। तो हमारा जो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा मिशन है वो है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के बारे में आप जानते होंगे, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या चीज़ होती है कि चीज़ों का रख रखाव किस तरह से करना है और उसका स्टोरेज कैसे करना है, भंडारण कैसे करना है, उसको उसको कैटरिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली अब तक मैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में 20,000 लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक ड्राइव है, ऑर्गन डोनेशन ड्राइव। बेसिकली आप सब जानते होंगे कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ साथ तो हम काम करते ही रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के बाद भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मैं खुद बॉडी डोनर हूँ और ऑर्गन डोनर हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा क्रिमिनेशन मेरे ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं होगा, मेरा सीधा के सीधा डेड बॉडी है तो मेरी वो पीजीआई के अंदर चली जाएगी। जैसे हमारे जो कई हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये हमारी बॉडी चली जाएगी, जहाँ पे जो एमबीबीएस करने वाले, जो मेडिकली पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उस बॉडी का रिसर्च वर्क करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा रिसर्च वर्क कर पाए। और इन केस हमारा ब्रेन डेड होता है तो उस केस के अंदर हमारे सभी ऑर्गन्स काम आते हैं, जैसे किडनी होगी, हमारा लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारी स्किन होगी, हमारी वेन्स होगी, ये सब चीज़ें हमारी मरने के बाद भी काम आती है। मतलब ब्रेन डेड का मतलब होता है कि एक मौत होना। तो उसके लिए मैं उसके एवज में भी हम अपनी एनजीओ की तरफ से काम करते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि बड़ा ही गंभीर मुद्दा है आज की हमारी कंट्री का, वो है बेसिकली सभी लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी है। तो हम बेरोज़गारी को कम करने के लिए हम ये कहते हैं कि आप यत्न करो, आप पढ़ाई करो। आप पढ़ाई करने के बाद सिर्फ सिर्फ नौकरियां मत तलाशो, उसके साथ साथ आप आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भरता के प्रयास में हमारी सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्टार्टअप स्कीम्स हैं। तो उनके बारे में हम बच्चों को, जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं, उन सबको हम उनको बताते हैं कि आपने किस तरह से किस स्कीम का कैसे बेनिफिट उठाना है। तो अपनी एनजीओ के रास्ते हम जगह जगह स्कूल कॉलेजेस के अंदर जा जा के वहाँ पे हम ये बताते हैं कि आपने आत्मनिर्भर कैसे बनना है, आपने कोई यूनिट कैसे इस्टेब्लिश करनी है, इन सब चीज़ों की हम जानकारी देते हैं। और स्टार्टअप में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो गवर्नमेंट हैं, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। और उसके साथ साथ हमारा जो बेसिकली जो मुद्दा रहता है कि सरकार के साथ साथ जितनी भी उनकी रनिंग योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमें प्रोत्साहित करना है। जैसे अभी पीछे मोदी जी ने लास्ट ईयर किया था घर घर तिरंगा, तो उसमें क्या होता है कि नेशनलिज्म की भावना जागती है, देशभक्ति की भावना जागती है। तो हमने वो घर घर तिरंगा यात्रा भी की। और उसके साथ साथ हमारा जो बेसिकली हमारी एनजीओ का बेसिक मोटो रहता है, वो मोटो रहता है हमारा कि बेसिक हम गांवों को कवरेज करें, क्योंकि शहरों में तो कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। आप देखते भी होंगे कि शहरों के अंदर तरह तरह के प्रोग्राम, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है, तब कोई प्रोग्राम हो गया, कोई योगा का प्रोग्राम हो गया, कभी कोई और प्रोग्राम हो गया, लेकिन गाँवों के अंदर ये पहल बड़े बड़ा मुश्किल काम है कि उन सब चीज़ों को अरेंज करना। तो हमारा जो बेसिक हमारी एनजीओ का मेन मुद्दा रहता है वो है गांवों को कवरेज देना, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को हम प्रेरित करें कि किस चीज़ का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी दौरान जैसे अभी हमने इस सर्दी के मौसम में हमने देखा कि हमारी ये तो मिशन है ही है, बट इसके साथ साथ छोटे छोटे मिशन, छोटे छोटे गोल्स हम वैसे ही अचीव करते हैं कि जैसे इस बार हमने देखा कि सर्दी बहुत थी तो लोगों के पास कंबल नहीं थे, उनके पास कैप्स नहीं थी, उनके पास सॉक्स नहीं थी। तो हमने गांवों में जा जा के, क्योंकि वो शरणार्थी बाहर से आए होते हैं, कोई सड़क बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, उस तरह से अपनी फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट किए होते हैं, तो
तब हमने उनको कंबल डोनेशन दिए, उनको ब्लैंकेट सिए, उनको कैप सी, उनको सॉक्स सी, तो ये सारी सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी रहती हैं। और इसी कारणवश हम ये चाहते हैं कि आजकल आपको पता है कि हमारा जो देश है वो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमेशा अपनेपन सिर्फ अपनेपन में रहते हैं, वो सेल्फिश ढंग से जीने लगते हैं। तो मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इन सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने इंटर्न्स हमारे पास भेजें ताकि हम उनको सोसाइटी के साथ जुड़ाव रखें। उस जुड़ाव के साथ क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि हमारी समाज की क्या क्या जरूरतें हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको एक ही चीज़ पता चलेगी कि हमारी सोसाइटी की नीड्स क्या हैं और कहाँ पे कैसे काम करना है। लेकिन आजकल के बच्चे अगर ये सोशल इंटर्नशिप के बारे में उनको पता ही नहीं होगा तो वो कैसे जान पाएंगे कि हमारी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं और हमने उनको फुलफिल कैसे करना है। तो मेरा आप सबसे एक ही चीज़ का अनुरोध है कि आप मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस जितने कॉलेज के खास तौर पर जो बच्चे हैं उनको हमारे पास हमारी एनजीओ में हमारे साथ कुछ कंपनीज भी अटैच्ड हैं वहाँ पे भी आप इंटर्नशिप के लिए बच्चों को भेजो जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से काम करना है। तो जो इंडस्ट्री भी होती है तो इंडस्ट्री को भी काम करने वाले बच्चे ऑलरेडी नोन टू द सोसाइटी बच्चे मिल जाते हैं कि एक दूसरे के साथ रहना कैसे है, कैसे रिलेशनशिप रखना है और किस ढंग से हमने समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। इन सब का यत्न हमारी एनजीओ करती है, हमारी टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, और इसको लगभग 4 साल हो चुके हैं हमारी एनजीओ को। और मैं ऐसे ही प्रोग्रेस ऐसे ही चाहती हूँ कि हमारी जो एनजीओ है टुगेदर वी कैन फाउंडेशन डे बाई डे प्रोग्रेस करे, और ये बिना आप लोगों की मदद के कभी कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू।